गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? मैं आज आप लोगों को कक्षा दो की हिंदी की बुक निर्झरी के पहले पाठ पाठ एक विनती की कविता के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। इसे आप ध्यान से सुनिए। इस कविता में छोटे छोटे बालक ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। सबसे पहले आपको मैं एक कविता सुना देता हूं, उसके बाद आप लोग भी दोहराएंगे। कविता की पहली लाइन इसमें यह लिखा गया है, विनती सुन लो हे भगवान, हम तेरे बालक नादान, तुमने यह संसार बनाया, फल फूलों से इसे सजाया, तुमने सूरज चांद बनाया, तुमने तारों को चमकाया, तुमने पानी पौन बनाया, तुमने बादल को बरसाया। सबसे पहले जो लिखा गया है इसमें, विनती सुन लो हे भगवान, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालक ईश्वर से यह प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, और यह बता रहे हैं कि हम छोटे छोटे बालक अभी बहुत नादान हैं और आपसे यह प्रार्थना कर रहे हैं, तुमने यह संसार बनाया, फल फूलों से इसे सजाया। छोटे बालक यह बता रहे हैं कि हे प्रभु, आपने इस संसार को बनाया है तथा इसे फल एवं फूलों से सजाया है। ठीक है बच्चों, छोटे छोटे बालक जो है ईश्वर से यह प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, आपने इस संसार को बनाया है तथा फल एवं फूलों से सजाया है। इतना क्लियर है बच्चों? फिर आगे की लाइन है, तुमने सूरज चांद बनाया, तुमने तारों को चमकाया। आगे की लाइनों में या कविता की जो पंक्ति है उसमें कवि यह बता रहा है छोटे बच्चों के माध्यम से कि आपने सूरज एवं चांद को भी बनाया है तथा ये जो तारे चमकते हैं इसको भी बनाने वाले आप ही हैं, और तुमने पानी पवन बनाया, तुमने बादल को बरसाया। छोटे बच्चे अब प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, आपने इस धरती पर जो पानी है तथा पवन यानी हवा है और जो बादल दिखाई देते हैं उसको भी आपने ही बनाया है तथा उन बादलों को बरसाने का कार्य आपने ही किया है। ठीक है बच्चों, छोटे बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से कि जिस प्रकार से आपने पानी को बनाया, पवन यानी हवा को बनाया तथा बादल को बरसाने का प्रयास किया है, और ये प्रार्थना करते हुए छोटे छोटे बच्चे ईश्वर से यह दुआ कर रहे हैं। आगे की लाइन है, तुम जग के पालक भगवान, हम तेरे बालक नादान। छोटे बच्चे ईश्वर से यह प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि जग जग मीन संसार, जग के पालनहार आप हैं हे भगवान, इस संसार के पालनहार आप हैं, और हम तेरे बालक नादान, और हम छोटे बच्चे अभी बहुत नादान हैं, हम तुम्हारे ही गुण गाएं, तुम्हें प्यार से शीश झुकाए, हे प्रभु, आपके द्वारा किया गया कार्यों को, आपके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में ही हम गुणगान करेंगे तथा तुम्हें बार बार प्यार से शीश झुकाएंगे। ठीक है बच्चों, ये आपकी कविता है, इसे आप एक बार पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद दोहरा लेंगे, फिर याद कर लेंगे। इसी के साथ मैं आपका हिंदी का टीचर जय सिंह आपसे विदा ले रहा हूँ। धन्यवाद।